मैंने एमबीए करने के बाद ये पाया कि मुझे नौकरी नहीं मिल रही है और जो प्राइवेट कंपनी है वो मुझे 10 से 15,000 की नौकरियां दे रही थी। हमारे देश में बेरोजगारी इतनी है कि कई युवा पढ़ने लिखने के बावजूद छोटे मोटे काम करने पर मजबूर हैं। एक ऐसी ही स्टोरी हम आपके लिए लेकर आए हैं। स्टोरी है शहडोल जिले से प्रदीप पांडे की, जो कि एमबीए करने के बाद कार धुलाई का एक दुकान खोलकर कार धोने का काम कर रहे हैं। ये सुनकर आप भी हैरान रह गए होंगे। जी हाँ, हम सही कह रहे हैं। प्रदीप पांडे, जो कि इंदौर के ही एक कॉलेज से एमबीए की पढ़ाई कंप्लीट किए हैं, उनके माता पिता ने उनके लिए कई सपने देखे। वो सपने को साकार करने के लिए जब वो नौकरी लेने गए तो उन्हें महज 10 से 15,000 रुपए की नौकरी मिल रही थी, जिसके कारण उन्होंने अपनी खुद की एक शॉप खोली, वो भी कार धुलाई करने की। जी हाँ, उसका नाम उन्होंने रखा है एमबीए कार वाला। पर मैंने एमबीए करने के बाद ये पाया कि मुझे नौकरी नहीं मिल रही है और जो प्राइवेट कंपनी है वो मुझे 10 से 15,000 की नौकरियाँ दे रही थी, तो मेरा उसमें जीवन या लाइक खर्चा नहीं हो, समझ में नहीं आ रहा था कि मैंने इतना एमबीए करने के बाद ये मैं डिज़र्व नहीं करता हूँ। उसके बाद मैंने सोचा कि अपना खुद का बिज़नेस डाला जाए, तो खुद का बिज़नेस में मुझे थोड़ा सा कार और इन चीज़ों का आइडिया था, तो मैंने फिर एमबीए करने के बाद अपना बिज़नेस सेटअप चालू किया। और थोड़ा मजबूरी भी है एग्जैक्टली कि अब करा क्या जाए, अब दुकान खुद तो यहाँ पर रेंटेड है, लोग चार लड़के मैंने रखे हैं, सर्विस भी दे रहा हूँ लोगों को, तो खर्चे चल नहीं पा रहे हैं। आजकल महंगाई इतनी है तो उसमें सर्व करने के लिए कुछ ना कुछ अपने लिए एफर्ट डालना पड़ता है, और इसी यहाँ पे मैंने ये बिजनेस चालू की। तो आपकी क्या राय है इस वीडियो को देखने के बाद? क्या सच में आज के युवा ये सब छोटे मोटे काम करने पर मजबूर हैं? हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। साथ ही आप अगर ये खबर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से देख रहे हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक कीजिए और हमें ये बताइए कि आप अपने राज्य में किसकी सरकार बनते हुए देखना चाहते हैं। और अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, कॉमेंट करके बताइए कैसा लगा और साथ ही शेयर कर दीजिए।